जय हिंद। आज का टॉपिक है लीगल स्टेटस ऑफ पुलिस एनकाउंटर्स इन इंडिया। फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि जो पिछले कुछ वर्षों से जो हमारे देश में पुलिस एनकाउंटर्स हो रहे हैं उसकी विधिक स्थिति क्या है। तो फ्रेंड, एनकाउंटर को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एनकाउंटर कितने प्रकार के होते हैं। और एनकाउंटर जो है दो प्रकार के हैं, एक फेक एनकाउंटर, दूसरा जेन्युइन एनकाउंटर। जेन्युइन एनकाउंटर मतलब ये है कि ऐसी परिस्थिति में एनकाउंटर करना जब पुलिस पार्टी या स्टेट मशीनरी के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था सिवाय इसके कि सामने जो क्रिमिनल है उसकी हत्या कैद कर दे, क्योंकि अगर वो हत्या नहीं करते तो उनकी खुद की हत्या हो जाती। तो फ्रेंड, ऐसे जेन्युइन एनकाउंटर्स के लिए कोर्ट ने भी कई जजमेंट में कहा हुआ है कि पुलिस टीम या स्टेट मशीनरी जब ऐसे किसी मिशन पर जाती है जहाँ पर ड्रेडफुल क्रिमिनल यानी बहुत ही खतरनाक अपराधी को पकड़ना हो तो उस केस में पुलिस को पूरी सुरक्षा के साथ, अपनी सुरक्षा के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उनकी भी जान माल की सुरक्षा की गारंटी इस भारतवर्ष में कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया हुआ है। साथ ही साथ वो ड्यूटी के दौरान पूरी की पूरी सुरक्षा अपनी करके ही जाए और इसके दौरान अपनी सुरक्षा को रखते हुए जब उन पर जान की कोई आफत आती है तो वो अपने सुरक्षा में वो सामने वाले की भी हत्या कर सकते हैं और ऐसे एनकाउंटर्स को वो जेन्युइन एनकाउंटर कहा गया है। लेकिन इसको भी जुडिशली उन्होंने कहा है कि इसका भी इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट टीम द्वारा की जानी चाहिए कि वास्तव में एनकाउंटर जेन्युइन था या नहीं। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। तो इसको एनकाउंटर को समझने के लिए कि वास्तव में जेन्युइन एनकाउंटर क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें सेक्शन 100 ऑफ द इंडियन पेनल कोड को समझना होगा, जिसमें ये कहा गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी दैट मे एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ ऑफ द एग्रेसर, यानी कि जिसने एक ऐसा अटैक किया है, ऐसा आक्रमण किया है जिससे कि जो आत्मरक्षा में उस व्यक्ति के पास कोई उपचार या कोई अन ऑप्शन नहीं बच गया था सिवाय कि सामने अग्रेसर या अटैकर की हत्या करते, डेथ का इत करते। यानी कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगर किसी की हत्या होती है तो ये बात को देखना पड़ेगा कि उसने अटैक किस में अंतर्गत किया, यानी कि सेल्फ डिफेंस में किया है या रिटेलिएशन में किया है या उसने रिवेंज में किया हुआ है। इसीलिए अपेक्स कोर्ट ने दर्शन सिंह के केस में ये कहा हुआ है कि जब तक के सामने से कोई एक पूर्व आशंका यानी कि शो शॉट अप्रिहेंशन ना हो कि आप पे आक्रमण हो सकता है, आपकी हत्या की जा सकती है, तब तक अग्रेसर या अटैकर की राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के खिलाफ नहीं बनता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर व्यक्ति जिसके ऊपर अटैक होने वाला है उसके पास ये लगता है कि उसकी पूरी आशंका है कि उसकी हत्या हो सकती है तो वो सामने वाले की हत्या कर सकता है। इसे हम कहते हैं सेल्फ डिफेंस। तो फ्रेंड, सेल्फ डिफेंस और रिटेलेशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस इसमें ये देखना होता है कि कब आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं और कब आप रिटेलेशन कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये सेल्फ डिफेंस रिटेलेशन एक रिवेंज के तौर पर आए। इसीलिए दर्शन सिंह केस में एपेक्स कोर्ट ने यह साफ साफ हेड किया हुआ है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब एप्लीकेबल होता है, कब एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस तब एप्लीकेबल होता है जब सामने वाले को व्यक्ति देख रहा है कि उसके पास हथियार है, डेडली वेपन्स है और खतरनाक हथियार से वो आक्रमण करने वाला है, तभी राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है, पहली बात। दूसरी बात कि जिसने राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया हुआ है वो देखे कि सामने वाला ने तो एग्रेसर किया हुआ है या सामने वाला अटैक कर रहा हो, ऐसा न हो कि खुद ही ये उसने सामने वाले को इतना अग्रेसर कर दिया हो, इतना ज़्यादा उत्साहित कर दिया हो कि वो उस पर अटैक करते, आक्रमण करते। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस तब इस्तेमाल करिए जब सामने की आशंका, पूर्णतः आशंका हो कि आपकी हत्या हो सकती हो और आपके पास कोई अन्य उपचार नहीं बचा हुआ है। अब हम आते हैं जो मेन टॉपिक में, जो इस वीडियो बनाने का पर्पस था वो है फेक एनकाउंटर। अब सवाल ये है कि फेक एनकाउंटर कब होगा। तो फ्रेंड, इसके लिए न्यायालय ने कई बार कई जजमेंट में कहा गया है कि फेक एनकाउंटर
का मतलब ये है कि जहां पर ऐसी कोई आशंका नहीं थी पुलिस टीम पे या पुलिस मिशनरी पे कि उनकी हत्या हो सकती है, या ऐसा कोई आशंका भी नहीं थी जैसे कि वो आदमी भाग सकता है, यानी कि अपेक्स कोर्ट ने ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में यह साफ साफ कहा है कि अगर कोई अपराधी प्रोक्लेम ऑफेंडर है, घोषित अपराधी है, या एब्सकॉन्डर है, भगोड़ा है, या ड्रेडफुल क्रिमिनल है, सिर्फ इस आधार पे जो है पुलिस टीम को ये राइट या अधिकार नहीं मान जाता है कि वो उस अपराधी की हत्या कर दे या इनकाउंटर कर दे, क्योंकि पुलिस टीम की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी क्रिमिनल है या जो अपराधी है उसको अरेस्ट करे और कोर्ट ट्रायल का सामना कराए। ट्रायल यानी कि कोर्ट डिसाइड करेगी, न्यायालय डिसाइड करेगी कि वास्तव में उस अपराधी को कितना सजा दी जाए। ये कितना सजा देना है या नहीं देना है इसका निर्णय पुलिस टीम नहीं कर सकती। फेक एनकाउंटर्स को अगर बढ़ावा दिया गया तो उसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी कहते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक धारणा बन जाएगी कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। क्योंकि राज्य का यह दायित्व होता है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि राज्य का दायित्व है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, न कि अपने नागरिकों का वध करे या हत्या करते चले। क्योंकि अगर ऐसी भावना बन जाएगी तो फिर हमारे जो संविधान निर्माण करता है उनकी जो मंशा है संविधान बनाने का कि एक वेलफेयर स्टेट बने, एक लाभकारी राज्य बनाने की जो उनकी मंशा थी वो पूरा नहीं हो पाएगा अगर इसी तरह से फेक एनकाउंटर्स या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का बढ़ावा दिया गया, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का बढ़ावा दिया गया। तो ठीक है फ्रेंड, तो आगे चलें तो एपेक्स कोर्ट ने ये निर्णय ये भी किया है कि वो कुछ फैक्टर्स उन्होंने लेट डाउन किया हुआ है जिसमें ये साबित किया जाता है कि कौन सा एनकाउंटर्स फेक होता है और कौन सा जिन होता है। जैसे उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताया, पहला ये कि जो पुलिस टीम है उनका ये वर्जन कि जो मृतक है उसने इतना ज़्यादा प्रोत्साहित कर दिया कि उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसकी हत्या कर दिया जाए, लेकिन जो रिकॉर्ड्स मिलता है वो रिकॉर्ड्स पुलिस वर्जन से मैच नहीं करता है। यानी कि जो गोली चलाई गई वो किस पार्ट पे चलाई गई है, वाइटल पार्ट पे या नॉन वाइटल पार्ट पे। वाइटल का मतलब ये है कि जो हाथ और पैर को छोड़ दिया जाए तो पूरा पार्ट वाइटल होता है, और हाथ पैर को कहा जाए तो वो कहा जाता है कि नॉन वाइटल पार्ट है, पहला बात। दूसरी बात ये है कि जो गोली चलाई गई है वो पीछे से चलाई गई है तो शक पैदा करता है, और क्लोज रेंज से चलाया गया है या दूर से चलाया गया है ये पता चलता है कि जो बुलेट जिस बॉडी के जिस पार्ट में जाती है तो उसके आसपास ब्लैकेंड डार्केंड सर्कल बन जाता है, और डार्केंड सर्कल से पता चल जाता है कि गोली दूर से चलाई गई है या क्लोज रेंज से चलाई गई है। तीसरे कि पुलिस का ये कहना कि अपराधी जो है सर पे पाया गया और अगर वो उसे ना पकड़ते तो वो भाग जाता, और उन्होंने पकड़ने पूरा किया प्रयास किया लेकिन न असफल होने की वजह से हमने फाइनली जो है इस पर गोली चलाई और उसका एनकाउंटर कर दिया, ये वर्जन भी विश्वसनीय नहीं है। तीसरा कि अगर कोई अपराध घटित होने की संभावना थी तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि वो भी नहीं हुआ तो वो सेक्शन 154 के खिलाफ होगा। और तीसरा ये कि अगर इस तरह से बिना दर्ज किए हुए बिना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए अगर एनकाउंटर होता है तो इट इज़ क्लियर वायोलेशन ऑफ बिजनेस एक्ट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21 में जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ लिबर्टी की बात करते हैं उसका सीधे सीधा उल्लंघन हो जाता है, और इसीलिए एपेक्स कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किया हुआ है जस्ट टू चेक द फेक एनकाउंटर्स या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के कैटेगरी में न आए, इसके लिए उन्होंने कुछ फैक्टर्स या कुछ पॉइंट्स लेट डाउन किया है जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि कौन सा इनकाउंटर जो पुलिस करती है वो फेक है या नहीं। सबसे पहला तो उन्होंने बताया कि पुलिस जब कोई एक्शन लेती है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस का, भले वो कितना ग्रेव ऑफेंस क्यों ना हो, डेट शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, यानी केस डायरी में रिकॉर्ड होना जरूरी है और नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर पुलिस वजन के अनुसार अगर कोई इनकाउंटर होता है और उसमें पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की जाती है और डेथ कॉज होता है तो डेथ कॉस्ट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड अंडर FIR
154 का रिकॉर्ड होना चाहिए और डेट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड गिवन टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 और 158 में प्रॉपर तरीके से दी जानी चाहिए। तीसरा ये कि अगर कोई डेथ होता है तो उसमें मजिस्ट्रेट द्वारा सेक्शन 176 के अंतर्गत वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होना चाहिए, जो कि मजिस्ट्रेट का ये पावर है 176 में कि वो आइडेंटिफाई बाय द कॉज ऑफ डेथ कि किस वजह से डेथ हुई है, यानी कि वो डेथ हुई है तो डेड बॉडी की पोस्टमार्टम होना चाहिए एंड डेट शुड बी वीडियोग्राफ्ड एंड शुड बी सेंट डेट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 157 टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष वो रिपोर्ट पेश होनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि अगर कोई विक्टिम है उसको चोट लग गई है तो उसका प्रॉपर मेडिकल एग्जामिन होना चाहिए और उसका स्टेटमेंट जो है मेडिकल ऑफिसर द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड होना चाहिए आफ्टर गेटिंग प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट। टेस्ट सर्टिफिकेट होने के बाद उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। और नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि पुलिस टीम की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एक्शन में क्लियर कट रिकॉर्डेड होना चाहिए और डेट शुड बी अकाउंटेबल हो और क्लियर हो कि उन्होंने कौन कौन से एक्शन किए हुए हैं। और लास्टली एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ है कि हमारा देश और हमारा संविधान रूल ऑफ लॉ से गवर्न होता है और इसलिए रूल ऑफ लॉ का पालन होना बहुत जरूरी है, इसलिए फेक इनकाउंटर या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को हम अपने देश में मान्यता नहीं दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा इनकाउंटर होता है तो डेट शुड बी एग्जामिन्ड प्रॉपरली इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, ठीक है, एंड डेट शुड एग्जामिन्ड आइदर बाय द CID और बाय द पुलिस टीम ऑफ द अदर स्टेशन सुपरविजन बाय द सीनियर ऑफिसर, डेट शुड बी एग्जामिन्ड, ठीक है, जिससे कि पता चल सके कि वास्तव में जो इनकाउंटर हुआ है जो पुलिस ने की है वो फेक है या जेन्यून है। और साथ ही साथ जस्टिस शुड बी डन टू बोथ द पार्टी आर्डर टू द अक्यूज्ड और टू द पुलिसमैन, ठीक है फ्रेंड। और इसीलिए फेक इनकाउंटर को हमारे यहाँ कभी भी लीगली वैलिडिटी नहीं मिल सकती है। अब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपसे प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।